10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. नमस्कार, मैं पंडित वीके मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है अकाउंटिंग गुरु। तो अकाउंटिंग गुरु में हम डिस्कस कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ये दूसरा लेक्चर है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। इससे पहले पहला लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अब चलिए दूसरा लेक्चर शुरू करते हैं। और दूसरे लेक्चर में पहला जो क्वेश्चन आता है आप लोगों के सामने वो है आपका, नोट करिए, देखिए स्क्रीन पे आ गया है, काइंड ऑफ द कंपनी या कंपनी के प्रकार। अब आप लोगों ने बीकॉम सेकेंड ईयर में ऑलरेडी कंपनी एक्ट 2013 पढ़ रखा है, तो बहुत से बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा। हाँ या ना? हाँ सर, हमें आता है। लेकिन ध्यान से सुनिए, मैं आपको जो कंपनी एक्ट 2013 में आपकी किताबों में दिया गया है वो क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपनी नहीं समझाऊंगा, बल्कि मैं आपको वो समझाऊंगा जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में टाइप ऑफ द कंपनी के बारे में बताया गया है। क्लियर है? मैं जो आपको कंपनी क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी समझाऊंगा वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सिलेबस है। मैं कंपनी एक्ट 2013 जो लॉ में दिया गया है, 10 तरह की कंपनियां हैं उनको नहीं बता रहा हूं मैं। क्लियर? ठीक है सर। चलिए तो बेटे, अगर मैं कंपनी एक्ट या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के सिलेबस की बात करूं तो इसमें सबसे पहले क्लासिफिकेशन की अगर बात की गई है तो क्लासिफिकेशन का जो पहला बेस है वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ क्या? लायबिलिटी। पहला बेस क्या है आपका कंपनी के बांटने का? ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। दूसरा बेस है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तीसरा बेस है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी, अब हिंदी में समझो, दायित्व के आधार पर। पहला क्या है? दायित्व के आधार पर। दूसरा है आपका स्वामित्व के आधार पर। और तीसरा है आपका नेशनैलिटी, मतलब देश के आधार पर कि आप कौन सी कंपनी हैं, देसी कंपनी या विदेशी कंपनी। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी की बात करूं तो इसमें कंपनी की दो कैटेगरी बताई गई है। पहली कैटेगरी है आपकी लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। पहली कैटेगरी क्या है आपकी? लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। ध्यान दीजिए भाई, अगर लायबिलिटी की बात की जाएगी तो दो ही तरीके का फंडा होगा, पहला लिमिटेड, दूसरा अनलिमिटेड। पहला लिमिटेड, दूसरा अनलिमिटेड। तो लिमिटेड और अनलिमिटेड। क्लियर? अब अगर लिमिटेड की बात की जाएगी, लिमिटेड का मतलब होता है बेटे कि एक सीमित दायित्व। एक क्या आपका? सीमित दायित्व। तो सीमित दायित्व में भी कंपनियों को दो भाग में बांटा गया है और वो है आपका लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर एक सवाल आता है कि सर ये क्या है, शेयर क्या होता है? ध्यान से समझो, अभी थोड़ा सा समझाऊंगा, इस टॉपिक के खत्म होने के बाद ही आपका नेक्स्ट टॉपिक है शेयर। ठीक है, चलो अभी एक समझो। अगर मैं आपसे कोई पूछे कि जरा बताओ शेयर क्या होता है, या इसे हिंदी में हम लोग अंश कहते हैं, अंश क्या होता है? तो शेयर या अंश का मतलब होता है बेटे पूंजी का टुकड़ा, मतलब कैपिटल का एक छोटा सा पार्ट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं। सपोज करिए आपके पास 1000 रुपए है। आपके पास कितने रुपए हैं बेटे? 1000 रुपए है। और आपके सामने 5 लोग खड़े हैं। आपके सामने कितने लोग खड़े हैं? 5 लोग। अब सबको बराबर बराबर बांटना है। सबको क्या करना है? बराबर बराबर बांटना है। तो हर व्यक्ति को आप कितना रुपया दोगे? 200 रुपया दोगे। हाँ सर। तो ये जो 200 रुपया दे रहे हो, ये पहले कितना था? 1000, अब कितना हो गया बांटने पे? एक बंदे का 200। तो ये जो 200 है यही एक बंदे का क्या हो गया? शेयर हो गया। यही एक बंदे का क्या हो गया? शेयर हो गया। अभी समझाऊंगा और डिटेल में कि शेयर को और कैसे समझते हैं। क्लियर? हाँ सर। तो लिमिटेड लायबिलिटी में सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या होता है? लिमिटेड बाय द शेयर। और दूसरा क्लासिफिकेशन होता है लिमिटेड बाय द गारंटी। गारंटी का मतलब कि आपने इतने रुपए की गारंटी दे रखी है। सपोज करिए कि एक कंपनी में 10 लाख रुपए का लॉस हो गया,
अब आपने बोला कि भैया मैं सिर्फ 1 लाख रुपए तक की गारंटी दूंगा, मैं कितने रुपए तक की गारंटी दूंगा, सिर्फ 1 लाख रुपए की गारंटी दूंगा। आपने शेयर नहीं खरीदा, आपने रुपया लिया है, आपने क्या लिया है, रुपए तक की गारंटी ली है, तो उसी को हम कहेंगे लिमिटेड बाय द गारंटी। आपको 10 लाख से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ मतलब कितने से होगा, 1 लाख रुपए से मतलब होगा, आपके हिस्से का लॉस कितना है, 1 लाख रुपया है। क्लियर हो गया इतना? हाँ सर। अब लिमिटेड बाय द शेयर की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें कंपनियों को बांटा गया है 3 भाग में। इसमें कंपनियों को बांटा गया है कितने भागों में बेटे, 3 भाग में। पहला है आपका पब्लिक कंपनी, दूसरा है प्राइवेट कंपनी और तीसरा है आपका वन मैन कंपनी। पहला क्या है आपका, पब्लिक कंपनी, दूसरा है प्राइवेट कंपनी, तीसरा है आपका वन मैन कंपनी। अभी समझाऊंगा कि पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट क्या है, सेपरेट समझाऊंगा। चलो पहले वन मैन समझ लो। वन मैन कंपनी का मतलब होता है बेटे जिसका कर्ता धर्ता सिर्फ एक बंदा हो। सर एक बात बताओ, आपने तो कहा था कि अगर पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो वहां कम से कम 2 लोग होंगे। हाँ जी सही बात है। अब मैंने एक चीज और बताई थी आपको, तो सर कंपनी में क्या सिर्फ एक ही लोग होंगे? देखो बेटे, मैंने आपको कल लास्ट लेक्चर में समझाया था कि चाहे सोल प्रोप्राइटर हो चाहे पार्टनरशिप हो, रजिस्टर्ड होने के बाद वो क्या बन जाती है, कंपनी बन जाती है। रजिस्टर्ड होने के बाद वो क्या बन जाती है, कंपनी बन जाती है। तो भैया आपने पार्टनरशिप बना दिया तो आप पब्लिक या प्राइवेट में चले जाओगे, लेकिन अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं और सोल प्रोप्राइटर होने के बाद अगर आप रजिस्टर्ड करा रहे हैं तो वो कंपनी आपकी कौन सी कंपनी होगी, वन मैन कंपनी होगी। ये रिजोल्यूशन था कंपनी एक्ट 2013 का। जो कंपनी एक्ट 2013 का मेजर अमेंडमेंट था वो ये था, वन मैन कंपनी, क्योंकि 1956 कंपनी एक्ट में वन मैन कंपनी का नामो निशान नहीं था। क्लियर हो गया इतना? हाँ सर। अभी प्राइवेट और पब्लिक अभी होल्ड पे रखो, अभी बाद में समझाऊंगा, ठीक है? तो क्लासिफिकेशन इतना समझ में आया, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, पहला क्या है लिमिटेड लायबिलिटी, दूसरा क्या है अनलिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी में पहला क्या है लिमिटेड बाय द शेयर और दूसरा क्या है लिमिटेड बाय द गारंटी। क्लियर? अब लिमिटेड बाय द शेयर की अगर हम बात करेंगे तो पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और वन मैन कंपनी, ठीक है? हाँ सर। चलो नेक्स्ट बेसिस देखते हैं। नेक्स्ट बेस है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ओनरशिप, तो मतलब स्वामित्व के आधार पर। तो यहां पर जो कंपनियां हैं उसको मैंने 2 कैटेगरी में बांटा है, आपके सिलेबस में 2 कैटेगरी में बटा है। पहला है आपका बेटे गवर्नमेंट कंपनी और अगला क्या है आपका नॉन गवर्नमेंट कंपनी। ध्यान से सुनिए, अब आपसे अगर कोई पूछे कि जरा बताओ गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है, आपसे अगर कोई पूछे कि जरा बताओ गवर्नमेंट कंपनी कौन होती है, जवाब है किसी के पास? अगर है तो व्हाट्सएप जरूर करिएगा, ठीक है? नंबर देखो ऊपर लिखा है, अब ध्यान से सुनो। जिस कंपनी का चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो चाहे वन मैन हो, ठीक है, जिस कंपनी का 51% शेयर, जिस कंपनी का 51% पेड अप शेयर गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया है, गवर्नमेंट ने क्या कर लिया है, टेक ओवर कर लिया है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर दोनों मिक्स, दोनों मिक्स, मतलब 25% स्टेट गवर्नमेंट और आपका 26% कौन हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो दोनों को जोड़ोगे 51 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। तो भैया जिस कंपनी का 51% पेड अप शेयर गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया है, अब गवर्नमेंट चाहे आपका सेंट्रल हो या फिर आपका स्टेट हो, उसी कंपनी को हम लोग कौन सी कंपनी कहेंगे, गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। कौन सी कंपनी कहेंगे बच्चों, गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। क्लियर हो गया? हाँ सर। अब सर नॉन गवर्नमेंट, अब नॉन गवर्नमेंट वही कंपनी होंगी जो आपकी क्या नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। वो कंपनी जो कि गवर्नमेंट कंपनी नहीं है उसी कंपनी को हम क्या कहेंगे, नॉन गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। क्लियर हो गया इतना? हाँ सर, इतना हमें क्लियर हो गया, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देखो, ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी। नेशनैलिटी मतलब कि आप किस देश के, किस देश की कंपनियां हैं, ध्यान दीजिएगा। जो कंपनियां, जिन कंपनियों का हेड ऑफिस,
जिन कंपनियों का क्या बेटे हेड ऑफिस आपके इंडिया में होता है, नंबर वन कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि आप इसी देश के कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, इसी देश के कंपनी एक्ट में क्या है, आप रजिस्टर्ड हैं, मतलब जिस कंपनी का जन्म ही यहीं पे हुआ हो, यहीं पे मतलब आपके भारत में हुआ हो, तो उसी कंपनी को हम कौन सी कंपनी कहेंगे, नेशनल कंपनी कहेंगे। उसी कंपनी को हम क्या कहेंगे बेटे, नेशनल कंपनी कहेंगे। और इसी के अपोजिट जो कंपनियां, जिन कंपनियों का हेड ऑफिस आउट ऑफ इंडिया हो, जिन कंपनियों का हेड ऑफिस क्या हो, आउट ऑफ इंडिया हो, साथ ही साथ वो दूसरे देश के कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हो, तो उन कंपनियों को कहा जाएगा क्या, आपका फॉरेन कंपनी कहा जाएगा। उन कंपनियों को क्या कहा जाएगा, फॉरेन कंपनियां कहा जाएगा। और वो आपके देश में आती हैं, व्यापार करती हैं और पैसा उठाकर लेकर चली जाती हैं। तो ये होती हैं फॉरेन कंपनियां। और नेशनल कंपनियां कौन होती हैं, जिनका हेड ऑफिस इंडिया में हो और जो इंडियन कंपनी एक्ट 2013 या उससे पहले के अधिनियमों में क्या हो बेटे, रजिस्टर्ड हो, तो उन्हीं कंपनियों को हम लोग कहेंगे क्या, आपका इंडियन कंपनी। क्लियर हो गया? हाँ सर। चलिए, आजकल तो आपके प्राइम मिनिस्टर भी इंडियन कंपनी को फोकस करने की बात कर रहे हैं, मतलब लोकल को कर लो आप वोकल। चलिए, इतना समझ में आ गया सब लोगों को? हाँ सर, हमें इतना समझ में आ गया। चलिए बेटे, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, पब्लिक कंपनी, डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ भी सकता है। क्यों? क्योंकि इससे पहले भी कई बार ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है। तो जल्दी से लिखिए बेटे, डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। हेडिंग लिख लिया सबने? हाँ सर। चलिए, अब आपको क्या करना है, तीन कॉलम बनाना है। एक है आपका बेस ऑफ डिफरेंस, एक है आपका पब्लिक कंपनी और एक है आपका क्या, प्राइवेट कंपनी। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो बेस ऑफ डिफरेंस लिखना मस्ट है। क्यों? क्योंकि इसी के आधार पर आप इन दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन क्रिएट कर रहे हैं। क्लियर हो गया? हाँ सर। पहला डिफरेंस होता है बेटे आपका नंबर ऑफ मेंबर, मतलब सदस्यों की संख्या। अब देखो, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी है तो कंपनी एक्ट 2013 का ही भाग है, तो कंपनी अधिनियम के बच्चे ही तो हैं ये दोनों, लेकिन इन दोनों में अंतर है। और वो अंतर क्या है, हम यही क्या कर रहे हैं बेटे, समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहला अंतर है आपका कि कितने मेंबर होते हैं आपके पब्लिक कंपनी में और कितने मेंबर होते हैं आपके प्राइवेट कंपनी में। तो अगर मैं प्राइवेट की बात करूं तो मिनिमम दो, मिनिमम कितने मेंबर होते हैं बच्चों, दो होते हैं। और अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं कि सर जरा बताओ मैक्सिमम कितने मेंबर होते हैं, तो उसका आंसर है आपका 200। क्लियर हो गया पहला? तो प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने सदस्य होंगे, दो, और ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे आपके, 200 होंगे। क्लियर? हां सर। अब बात करते हैं पब्लिक कंपनी की। तो पब्लिक कंपनी में जो मिनिमम मेंबर की संख्या बताई गई है वो है आपकी 7, और मैक्सिमम मेंबर की जो संख्या है बेटे वो है आपका अनलिमिटेड। क्या है बच्चे, अनलिमिटेड। क्या है आपका, अनलिमिटेड, मतलब कितने भी हो सकते हैं, कोई भी निश्चित नहीं है। लेकिन कंपनी एक्ट 2013 साफ साफ कहता है कि कंपनियां जितने शेयर इशू कर रही हैं, कंपनी जितने शेयर इशू कर रही हैं उतने ही मेंबर वो ऐड कर सकती हैं। मतलब अगर कंपनी ने 1000 शेयर इशू किया है तो कितने मेंबर वो ऐड कर सकती हैं, 1000। कंपनी ने 1,00,000 शेयर इशू किया है तो कितने मेंबर ऐड कर सकती हैं, 1,00,000। 10,00,000 शेयर इशू किया तो कितने ऐड कर सकती हैं, 10,00,000। ये कंपनी एक्ट 2013 का साफ साफ क्लियरेंस है। क्लियर हो गया? हाँ सर। तो मिनिमम कितने, 7, और मैक्सिमम कितने,
अनलिमिटेड, और जो बोला है मैंने वो भी अपने ध्यान दिमाग में रखिए आप लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका टॉपिक है आपका बेटे इनविटेशन टू परचेज शेयर, मतलब कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि पब्लिक को इनवाइट करेगी अपना शेयर परचेज करने के लिए। तो ध्यान दो, प्राइवेट कंपनी के पास ये अधिकार नहीं होता, जबकि पब्लिक कंपनी के पास ये अधिकार होता है। पब्लिक कंपनी लोगों को, जनता को इनवाइट करेगी कि आओ कंपनी का शेयर परचेज कर लो। क्लियर हो गया ये पॉइंट? हाँ सर। अब अलॉटमेंट ऑफ शेयर, ध्यान दीजिएगा, अगर अलॉटमेंट ऑफ शेयर की बात करूंगा मैं, चलो एक बात बताओ आप लोग, जब आप लोग स्कूल में, किसी भी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, जरा जल्दी से बताओ मुझे। सर सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं। क्या भरते हैं? रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं। उससे भी पहले कॉलेज या स्कूल वाले इनवाइट करते होंगे आप लोगों को कि भैया नए सत्र का बैच आरंभ होने वाला है, आइए हमारे स्कूल में एडमिशन ले लीजिए। मतलब सबसे पहले वो इनविटेशन देते हैं आप लोगों को। अब फिर उसके बाद आप लोग क्या करते हो, एप्लीकेशन फॉर्म लेते हो, फिल करते हो, और फिल करने के बाद डिपॉजिट कर देते हो। हाँ या ना? हाँ सर। अब उसके बाद आपका जो स्कूल या कॉलेज है वो आपको सीट क्या कर देता है, अलॉट कर देता है। क्लियर? हाँ सर। सेम कंसेप्ट यहां पे भी है। सबसे पहले कंपनियां इनवाइट करती हैं शेयर को कि आओ आओ शेयर खरीद लो, और जब एक बार एप्लीकेशन आ जाता है तो उसके बाद उन एप्लीकेशन के बदले आपको शेयर क्या कर दिया जाता है, अलॉट कर दिया जाता है। अब अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं तो पब्लिक कंपनी में बहुत सारे लोग एप्लीकेशन देते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं बेटे, एप्लीकेशन देते हैं। अब इनको शेयर तब तक अलॉट नहीं होगा, पब्लिक कंपनी की बात कर रहा हूं, इनको शेयर तब तक अलॉट नहीं होगा जब तक मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर ना रिसीव हो जाए। पब्लिक कंपनी में शेयर तब तक अलॉट नहीं होगा जब तक आपका मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर रिसीव ना हो जाए। क्लियर? हाँ सर। अब सर मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर कितना होता है बेटे, जितना भी आपका फेस वैल्यू है उसका 25% होता है। उसका कितना होता है? 25% होता है। मतलब 10 रुपए का अगर शेयर है तो 25% देखा जाए तो 2.5 आएगा, ठीक है। तो जब तक 2.5 पैसा रिसीव नहीं हो जाता तब तक आपको शेयर अलॉट नहीं किया जाएगा पब्लिक कंपनी में। लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसा कोई झमेला नहीं है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ द पर्सन कितने हैं, 200 ही हैं। जब भैया ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं। हाँ सर। तो भैया जैसे ही प्राइवेट कंपनी में एप्लीकेशन आई, जैसे ही प्राइवेट कंपनी में एप्लीकेशन आई, वैसे ही इस एप्लीकेशन के बाद आपको शेयर क्या कर दिया जाएगा, अलॉट कर दिया जाएगा। आपको शेयर क्या कर दिया जाएगा बेटे, अलॉट कर दिया जाएगा। मतलब यहां पर आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर की कोई भी जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? हाँ सर। तो प्राइवेट कंपनी में जैसे एप्लीकेशन आएगा वैसे ही शेयर आपको क्या कर दिया जाएगा, अलॉट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, मतलब आप अपने व्यापार को कब आरंभ कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट कंपनी हैं तो आपने जैसे ही रजिस्ट्रेशन करवाया उसके बाद आप बिजनेस करने के लिए क्या हो जाएंगे बेटे, लायबल हो जाएंगे। आप अपना बिजनेस क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पब्लिक कंपनी हैं
तो आप जब तक आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट रिसीव नहीं होता तब तक आप बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट रिसीव होने के बाद ही आप इलिजिबल होंगे अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अच्छा, एक चीज बीच बीच में आप लोग को लग रहा होगा कि लाइट कट रही है, हाँ मतलब अंधेरा एकाएक आ जा रहा होगा कुछ सेकंड के लिए। बेटे बहुत इस समय फ्लैक्चुएशन चल रहा है गर्मी की वजह से, इसलिए आप लोगों को जो दिक्कत हो रही है उसके लिए सॉरी। देखो फिर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस, मतलब आवेदन कौन कर सकता है, एक प्रोस्पेक्टस कौन इशू कर सकता है, पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी। अब पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है, पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस क्या कर सकती है, इशू कर सकती है, जबकि प्राइवेट कंपनी के पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं होता। सर प्रोस्पेक्टस क्या होता है एक बात बताओ, जब आप लोग कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपको एक छोटी सी बुकलेट मिलती है, उसमें लिखा होता है कि भैया इस स्कूल में ये कोर्स कराए जाते हैं, इतने इतने दिनों के लिए इतनी इतनी फीस लगती है, इतने इतने लोग टीचर आपको पढ़ाते हैं, यहाँ के बच्चे यहाँ यहाँ गए, सब डिटेल लिखी रहती है नहीं लिखी रहती। हाँ सर, उसी को हम लोग कहते हैं बेटे प्रोस्पेक्टस, मतलब कंपनी को भविष्य में कहां तक लेके जाना है इसके बारे में आपको पहले ही एक बुकलेट में पहले ही मेंशन कर देते हैं, पहले ही क्या कर देते हैं बेटे, मेंशन कर देते हैं। अब देखो पब्लिक कंपनी शेयर मंगा रही थी बाहर से, तो जाहिर सी बात है प्रोस्पेक्टस इशू करेगी या नहीं करेगी। हाँ सर प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, लेकिन प्राइवेट कंपनी क्या बाहर से लोगों से पैसा मंगवा रही थी, नहीं सर, तो क्या वो प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, नहीं सर वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करेगी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लोन टू डायरेक्टर सेक्शन 185, ध्यान से समझिए। सेक्शन 185 या लोन टू डायरेक्टर ये कहता है कि क्या कोई कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन दे सकती है, तो ध्यान से समझिए। अगर आप प्राइवेट कंपनी हैं तो आप लोन दे दीजिए, आप क्या करिए अपने अपने डायरेक्टर को अपने संचालक को आप लोन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप पब्लिक कंपनी हैं और आप अपने डायरेक्टर को लोन देना चाहते हैं, अपने संचालक को लोन देना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुमति लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी कि भैया मैं फलाने डायरेक्टर को लोन इतना रुपया क्या कर रहा हूं दे रहा हूं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दे दिया तो आप देंगे, कौन आपकी पब्लिक कंपनी, अगर नहीं दिया तो आप नहीं देंगे। समझ में आया आप लोगों को। सर ऐसा क्यों, क्योंकि भैया पब्लिक कंपनी में पैसा लगा किसका है, जल्दी से बताओ, पब्लिक का। करेक्ट, किसका पैसा लगा है, पब्लिक का। तो पब्लिक का पैसा अगर आप डायरेक्टर को दे दोगे, डायरेक्टर लेके भाग गया, फिर किसका पैसा डूबेगा, पब्लिक का ही तो डूबेगा। लेकिन प्राइवेट में तो वही लोग होंगे जो आपके जान परिचय वाले ही होंगे, दे दो ना, डूबेगा कितने लोगों का डूबेगा, ज्यादा से ज्यादा 200 लोगों का डूबेगा, लेकिन यहां तो अनलिमिटेड है। हाँ सर, इसी वजह से अगर आप लोन लेना देना चाहते हैं, अगर आप पब्लिक कंपनी है, तो आपको सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, और इसमें आपको परमिशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्लियर हो गया ये सारे पॉइंट। हाँ सर बेटे, डिफरेंस और भी डिफरेंस है, लेकिन 4-5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप 5 पॉइंट या 6 पॉइंट लिख दीजिए, आपका 5 नंबर डन हो जाएगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को किसी और पॉइंट में, क्योंकि आपकी किताबों में और भी पॉइंट है, तो किसी भी पॉइंट में अगर डाउट है तो ये देखो नंबर ऊपर लिखा है, आप डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। चलिए बेटे एक बार फटाफट देखिए और नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए बेटे, शेयर ब्रैकेट में अंश, जल्दी से देखिए और नेक्स्ट हेडिंग दीजिए शेयर या अंश।